पिटारा बनेगा बच्चों का दोस्त न्यारा, जो भर कर लाएगा खिलौने और कठपुतलियाँ, दिलचस्प कहानियाँ और पहेलियाँ। पोस्टर होंगे, होंगी किताबें और होगा साहित्य ढेर सारा। फ्लैश कार्ड और खेल भी होंगे। शिक्षकों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी होंगे। खेल खेल में ही होंगी अब बातें प्यारी प्यारी। ऐसे होगी नन्हे मुन्हों के भविष्य की भी तैयारी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन और सक्षम नेतृत्व में भारत के इतिहास में पहली बार 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा के शुरुआती चरण के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 की रूपरेखा की गई विकसित, जो जोर देता है खेल और कहानी आधारित शिक्षा पर, और वो भी अपनी मातृभाषा में। प्रारंभिक भाषा का ज्ञान, संख्या का ज्ञान बच्चों में सामान्य लेख को पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास, ये बहुत आवश्यक होता है। छोटे बच्चों की कक्षाएं जीवंत और जीवन से भरपूर होनी चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क में ढेर सारे सवाल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। उन सवालों के जवाब अगर खेल, चित्रकला, नृत्य, संगीत, मजेदार कहानियों से और भागकर, दौड़कर, हंसकर, गाकर मिले, तो बच्चे किसी भी बात को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। और जादुई पिटारे में यही सब है। न्यूरोसाइंस से लेकर शिक्षा के विविध क्षेत्रों का अनुसंधान ये बताता है कि 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चे अपने आसपास की दुनिया से जुड़कर अनुभव लेते हैं और व्यक्तित्व के सभी पहलुओं में सीखते और बढ़ते हैं। खेल आधारित शिक्षा बच्चे के समग्र विकास के सभी 5 आयामों, जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक, संज्ञानात्मक, भाषा और साक्षरता और सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सीखने की सकारात्मक आदतों के विकास में भी योगदान देती है। जादुई पिटारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जीवंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को खेल की पाठशाला में बदलकर एक विराट बदलाव लाएगा और भविष्य की उस मंजिल की राह तय होगी, जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब नहीं होगी, बल्कि बच्चा तितलियों के पीछे भागकर और खेल कूद कर भी अपने शिक्षक की सहायता से नई नई बातें जान पाएगा। आइए आज इस पिटारे को खोलते हैं और देखते हैं इसकी मस्ती के रंग।